इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी वेबसाइट पर जब हम यहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हुए होते हैं और अपना फर्स्ट नेम डालते हैं, लास्ट नेम डालते हैं एंड डिस्प्ले नेम जैसे ही डालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है ऑलरेडी टेकन। तो बेसिकली ऐसा क्यों दिखाता है ऑलरेडी टेकन, ये मैं आपको बताने वाला हूँ और इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यूज़र नेम ये डिस्प्ले नेम ये दोनों सेम ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब डिस्प्ले नेम यूज़र नेम एक पर्सन को सिर्फ एक ही बार मिल सकता है उस लोकेशन पर, यानी कि उस एप्लीकेशन पर, उस वेबसाइट पर या अदर किसी जगह पर यूज़र नेम होता है तो वो एक बंदे को एक बार दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जा सकता किससे कि वो सर्च में या किसी चीज़ में रैंक कर जाए। अगर बहुत सारे होंगे तो उसमें पहचानने में दिक्कत होगी, इस वजह से यहाँ पर एक यूज़र नेम को एक ही दफ़े मिलता है। अगर आप उसको दोबारा लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी टेकन बताएगा। अब आपका नाम ये होगा, इससे अंतर नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर अपने नाम को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तब ये प्रोसेस आगे को होगा, वरना आपको इसी तरीके से दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 गिनती डाल लीजिए एंड आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक नहीं होता वहाँ तक वर्ड डालते रहिएगा, नाम थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, एक वर्ड इसको अलग बना लीजिएगा, तो आपका जो ये प्रोसेस है वो फिर ईजिली हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।